आज तनख्वाह जब हमें को 6,000-7,000 मिलने लगी तो हमारी असली हो जाए और लालच में आ गए तो हमारा पैसा खाने लगे, तो ये बेइंसाफी हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इतना होना चाहिए क्योंकि 20-25 साल इनको लगे हुए, इनका भी हक उतना ही है जितना उनका है। तो आज हमारे सामने वो दारू पीते हैं, मीट खाते हैं हमारे पैसों के लिए लेके, तो हमें ललकारे मारते हैं। तो कल को हम किसी को साले को काट दिया तो जिम्मेवार सरकार होगी और SHO होगा, DSP होगा, SP होगा, सब होंगे, क्योंकि हम खाने नहीं देंगे, चाहे हमें जान भी देने की क्यों नहीं पड़े, लेकिन हम रोड भी बंद करेंगे और जहाँ जाना पड़ेगा। ये माइक की आवाज आ रही है, ये माइक की आवाज है, बस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने। आदाब, इस समय हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की दूर दराज एरिया में, बॉर्डर एरिया में। तो आखिर आप वाकूफी से इस चीज को जानते हैं कि VDC का मामला बहुत सुर्खियों पर था। एक महीने से जो VDC का मामला था थोड़ा शांत हो गया, उनके साथ जो झूठे वादे किए गए थे उन वादों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और मैं आपको खास तौर पे बता दूं, ये कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बॉर्डर है और VDC मेंबरान कैसे ड्यूटी देते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जनाब क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, आप यहाँ पे आपने विजिट किया और अपने तमाम जो VDC मेंबर थे उनका हाल जाना और कैसे ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर देखने को यहाँ तक मिला कि इन लोगों के साथ जो है बहुत ही बुरा हो रहा है, यहाँ तक कि उनको ड्यूटी पे नहीं जाने दिया जाता और तनख्वाह जो है उनकी पर मंथ की जो इनकम है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार रोहन जी, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप फिर से आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए जो आए हो इधर बॉर्डर पे। आप देख रहे हो कि 5 या 1/2 किलोमीटर दूर बॉर्डर है और ये लोग सब लोग मेरे भाई जितने भी VDC मेंबर हैं, जैसे हमारे रिंकू जी हैं और आल जितने भी मेंबर्स इधर खड़े हुए हैं, ये हर दिन रात को ड्यूटी दे रहे हैं। आज तक आज भी इनको एक एक करके पूछ लो कि रात को ड्यूटी की थी कि नहीं की थी, सब ड्यूटी करके आ रहे हैं। तो ये मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? अगर हम डिप्टी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बेल्ट फोर्स का बिल्कुल साथ पे साथ बॉर्डर पे साथ दे रहे हैं, BSF के साथ है, हर आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, जिसके साथ मर्जी देख लो, हर बेल्ट फोर्स के साथ हम लोग खड़े हैं, डटकर हम लोग खड़े हैं। मिलिटेंसी आज जो बंद हुई ये हमारे BDC मेंबरों की वजह से बंद हुई है, वरना आजकल देख रहे हो आप चिल्लाडंगा में देखा 1 क्वांटल 20 किलो मिलिटेंट मारा था, मेरी टीम ने मारा था वहाँ पे, हमारे राजेश खजूरी है उनकी टीम थी साथ में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बाकी जो हमारे BDC मेंबर है, एक इनमें जो है पेशेंट भी है हमारा, ये मैं कैमरामैन को सतपाल जी हैं हमारे, ये पेशेंट है बेचारे, पेशेंट है, फिर भी ये रात को ड्यूटी कर रहे हैं। और इनको सैलरी नहीं मिले तो क्या लगता है आपके दिल में, ये आपको आप लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेटर को पूछना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप तो यहाँ के बसिंदे लोग हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? यही हमारी यही प्रॉब्लम है भाई, हमारे को जो जैसे पहले पे मिल रही थी ऐसे मिलनी चाहिए। और सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो हम 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे हमें सैलरी पहले मिलती थी वैसे ही मिलनी चाहिए। आज के टाइम में आपको सैलरी नहीं, यहाँ पे मिली, फ्री ड्यूटी दी जाती है, फ्री ड्यूटी दे रहे हैं सर, कोई जो सैलरी नहीं मिलती हमें। तमाम कितने VDC मेंबर हैं आप? हमारे 6 हैं सर इधर। आपके 6 VDC? हाँ जी। ये डिस्ट्रिक्ट सांबा के टोटल कितने VDC मेंबर हैं जो बॉर्डर एरिया पे ड्यूटी देते हैं? 450 है। और ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना, गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं, जो रैना ने जो CM का ख्वाब ले रहे ना, इस बार बोलो इनको कि इलेक्शन करवाओ। पहले भी आवाज़ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर VDC नहीं तो DDC नहीं, देखो फिर उन्होंने झूठा लॉलीपॉप दिया तो मानना तो पड़ता है ना, हमने सोचा चलो वोट किसी और को देना, भाजपा को दे देते हैं, हम आपने दिए तो आपके साथ झूठ बोला गया रिटर्न में, आपको पता है आपके सामने ही उधर त्रिकुटा नगर ऑफिस के बाहर रिटर्न में तो बात चलती रही, रिटर्न एविडेंस फिर भी वो झूठा निकला कोकरंट का। आप क्या कहना चाहते हैं भाजपा सरकार? देखो अब जैसे इन्होंने हमें झूठा रिटर्न दिया ना, अब वोट भी ऐसे झूठे ही डालने हैं फिर हम लोगों ने, देखते हैं क्या होता है, फिर आने दो इलेक्शन। अब जो CM बोल रहे हैं ना रविंदर रैना, इसको बोलो कि PM की चेयर बैठाएंगे आप लोगों को, हम ऑल डेली बेसिस पे बात करेंगे, अब सब यूनाइटेड फंड इकट्ठा करके हम लोग फिर वोट डालेंगे, एक बार इस पार्टी को डालेंगे अच्छी सरकार। सर, बिल्कुल कहां से? सर यही नंदपुर से। नंदपुर से? हाँ जी सर। यहां पर ड्यूटी देते हैं? हाँ सर यहीं पर ड्यूटी दे रहे हैं, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं सर, और तनख्वाह नहीं दे रहे हैं हम भी भाई साहब। सर आप? हम चंग के रहने वाले हैं तो ड्यूटी तो हमारी परमानेंट चलती है और बिना पे नहीं मिलती है? पे नहीं बिल्कुल नहीं मिलती, बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ तक कि रिटर्न एविडेंस भी दिया गया?
रिटन एविडेंस के दौरान आपको के साथ झूठ बोला गया, जैसे डीडीसी की इलेक्शन हो गई। देखिए सर, मैंने पहले भी ये बात बोली कि अब इसको इलेक्शन आएगी, हम क्या कर सकते हैं, इनको कुछ नहीं कर सकते, इन लीडरों को क्या करते हैं, हमारे पास वही है, वोट ही है, वोट के माध्यम से हम लोग इनको दिखाएंगे कैसे झूठा वादा किया जाता है। और ये गरीब लोग हैं सारे, बीडीसी मेंबर को इतनी उम्मीद तो है नहीं है, घर पे खाना नहीं है, हमारे साथ भी दो पिंछन है, दो चार लेडीज हैं हमारे साथ, जो उन लोगों की पे खा रहे हैं उनका क्या होगा। ये एसपीओ को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों को कौन सा भगवान माफ़ कर देगा, नहीं करेगा, कभी नहीं भगवान माफ़ करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा कदम है, अब 30 के बाद देखते हैं क्या होता है, 30 के बाद हम सारी ऑल बीडीसी दुनिया आपस में बातचीत करके और नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। ये बात नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद वीडीसी मेंबर, ये बॉर्डर एरिया है डिस्ट्रिक्ट सांबरागढ़ से नीचे, बीजेपुर से नीचे कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर हम इस समय वीडीसी के जो मेंबर हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है, देखने को दुख मिलता है। दुख इसी चीज़ का है, पैसे से घर चलता है, पैसे से फैमिली चलती है, पैसे से रिश्तेदार चलते हैं, पैसे से स्टडी होती है, हर एक चीज़ पैसे से चलती है। और पैसा नहीं है, वो भी 6,000 पर मंथ की सैलरी, और वो भी बंद फ्री की ड्यूटी करते हैं ये लोग वीडीसी मेंबर, जो एक अपने देश की, अपने जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऑल जेएंडके वीडीसी जूनियर जिंदाबाद, ऑल जेएंडके वीडीसी जूनियर जिंदाबाद। ये थे वीडीसी मेंबर, जज्बा जो इनका जज्बा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये इन्होंने सच्चे मन के साथ, वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी ने जम्मू कश्मीर का साथ दिया, और जम्मू कश्मीर की जो इमरजेंसी थी उसमें कहीं ना कहीं जो आज अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं, वो शायद आप बाखूबी से जानते होंगे कि वीडीसी मेंबर की तरफ। और वीडीसी मेंबर के साथ जब जाती होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग घरों में बैठे हैं, ऐसे लगे हैं और बच्चे घूम रहे हैं, ये गरीब तबके के लोग हैं, इन पर भी नज़र डालिए, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, आखिर इनका घर कैसे चलता है। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं तमाम वीडीसी मेंबर, आज 5-6 महीने हो रहे हैं वीडीसी मामले को लेकर, जम्मू कश्मीर के जितने भी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या कहना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को हम यही कहना चाहते हैं, कल को कोई ऐसी वैसी घटना हो गई, कहीं हमारे वीडीसी मेंबरों ने एसपीओ के ऊपर हथियार या कोई ऐसा काम किया, कहीं मारपीट होगी, उसके जिम्मेवार ये एडमिनिस्ट्रेटर होगी, एसएचओ होंगे, एसडीपी होंगे, एसएसपी होंगे, डीजीपी साहब होंगे हमारे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वीडीसी जितने भी वीडीसी है तो क्या पैगाम देना चाहते हैं वीडीसी मेंबरों को? ये मैं कहना चाहता हूँ, आज फिर से 30 के बाद जम्मू आने के लिए तैयारी कर लो सब लोग, हम 30 के बाद हला कोले खोलेंगे और सतवारी चौक बिल्कुल बंद करेंगे, टोटली नेशनल हाईवे बिल्कुल बंद करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। नाजरीन, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा और कैमरामैन को दिखाऊंगा, हम इस समय मौजूद हैं बॉर्डर एरिया, ये बीजेपुर से नीचे, रामगढ़ से नीचे हम 10 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। आप इस चीज़ को जानते हैं कि ये बॉर्डर कम से कम 5 किलोमीटर। और सर, आप क्या कहना चाहते हैं बीडीसी, आपने तो कम से कम 20-25 साल तो होंगे फ्री के और कैसे चलता है? बात यह है कि हमको 20-25 साल हो गए दिन रात ड्यूटी करते हुए, और जब तनख्वाह हमारी थी 300-600 तो फिर भी हम ड्यूटी कर रहे थे, और आज तनख्वाह जब हमें को 6,000-7,000 मिलने लगी तो हमारी असवी हो जाए और लालच में आ गए तो हमारा पैसा खाने लगे, तो ये बेइंसाफी हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इतना होना चाहिए, क्योंकि 20-25 साल इनको लगे हुए, इनका भी हक उतना ही है जितना उनका है, तो आज हमारे सामने वो दारू पीते हैं, मीट खाते हैं हमारे पैसों के लिए लेके, तो हमें ललकारे मारते हैं, तो कल को हम किसी को साले को काट दिया तो जिम्मेवार सरकार होगी, और एसएचओ होगा, डीएसपी होगा, एसपी होगा, सब होंगे, क्योंकि हम खाने नहीं देंगे, चाहे हमें जान भी देनी क्यों नहीं पड़े, लेकिन हम रोड भी बंद करेंगे और जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत की जय, हम किसी का भारत हम एक हैं, हम एक हैं, और किसी का नहीं हम खाएंगे, अपना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें भी दर्द होता है कि 20-25 साल हमने कोई फैक्ट्री का काम नहीं किया, कोई बाहर नहीं जा सके, हमको कहीं जाने नहीं दिया, बोलते आप बीडीसी है इधर ही ड्यूटी दो,
अब जब 6000 मिलने लगा तो बोलने लगे भी वो ये हम खा लेंगे। तो ये सचो डीएसपी को सबको ये होना चाहिए कि जब ये 300 लेते थे तो ए हम बुलाते थे इनको तो तनख्वाह भी दिलाते थे, आज 6000 है क्यों नहीं दिला रहे, इनका हक बनता था, दे भी सकते थे। लेकिन एसपी डीएसपी जो उन्होंने भी हाथ खड़े ऐसे कर दिए कि उनके हक में बात करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। और बीजेपी ने लगाया है और आज बीजेपी खत्म कर रही है, हमें बीजेपी टोटल खत्म कर रही है, लेकिन हम होंगे नहीं, बीजेपी को खत्म करेंगे खुद नहीं होंगे। ये हमारा एक वादा है और एक है, हम एक नहीं है, हमारा कम से कम भी 30000 आदमी है और जहां चले जाएगा पहचो सरकार के हाथ, सरकार का तख्ता पलट कर देंगे हम। ये मैं रजिंदर सिंह बोल रहा हूँ, हम भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हमारी चौकी में जाके चेक कर सकते हैं पहले दिन रात ड्यूटी। और डीएसपी एसपी को भी हमें पता है, हमें बाढ़ भी मिला हुआ है और एसपीओ एक भी हमें बता दे भी जिनको बाढ़ मिला है, हमें बाढ़ दिया हुआ नाम दिया हुआ ड्यूटी का, लेकिन आज हमारा बाढ़ कहाँ गया, जो एसपीओ घर में पहले बैठे रहते हैं उनको सब कुछ मिल रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम ड्यूटी अब भी दे रहे हैं और देते रहेंगे और जब मौका मिला तो फिर देखेंगे। ये थे हमारे साथ बीडी सिंह इमरान, उन्होंने कहा कि आखिर जो ईमानदारी का काम करते हैं और ईमानदारी से ड्यूटी देते हैं, आज उनका हक जो है उनसे छीन लिया गया है। कि आए दिनों में अगर बीडीसी का मामला हल नहीं होता है तो 30 तारीख के बाद ये धरना प्रदर्शन करेंगे और जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे रोड को जो है वो भी बंद करेंगे। आप जुड़े रहें जेके यूटी।